हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरा स्टडी टाइम। आज हम मराठी राइटिंग स्किल्स के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक निबंध यानी एसे राइटिंग और उसके टाइप्स सीखेंगे। मराठी क्वेश्चन पेपर के विभाग 5 उपयोजित लेखन प्रश्न 5 ई में लेखन कौशल्य यानी निबंध ये प्रश्न 8 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। लेखन कौशल्य में 3 प्रकार के निबंध पूछे जाते हैं, प्रसंग लेखन, आत्मकथन और वैचारिक निबंध, जिनमें से आपको कोई एक अटेम्प्ट करना होता है। पहला, प्रसंग लेखन, जिसे हम अनुभव लेखन भी कहते हैं, यानी नरेटिव राइटिंग। इसमें हम किसी भी जगह, व्यक्ति या घटना के बारे में अपने विचार और एक्सपीरियंस बताते हैं। प्रसंग लेखन में इवेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन तार्किक यानी फैक्ट्स पर बेस्ड होनी चाहिए, यानी इमेजिनरी नहीं हो सकता। प्रसंग लेखन की भाषा इफेक्टिव होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए और ज़्यादा आलंकारिक नहीं होनी चाहिए। प्रसंग लेखन क्वेश्चन में दिए गए घटना के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। प्रसंग लेखन में शीर्षक आपको खुद लिखना होता है, जो कंपलसरी है। प्रसंग लेखन आप 100-120 वर्ड्स का लिख सकते हैं। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ कारगिल दिन के मौके पर हमें प्रसंग लेखन करना है। हम यहाँ प्रेजेंट थे और हमने क्या एक्सपीरियंस किया वो लिखना है। आत्मकथन ऑटोबायोग्राफी में हम लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों का आत्मकथन पूछा जाता है। ऐसे में उनकी भावनाओं का सही ऑब्जर्वेशन करना ज़रूरी है। आत्मकथन करते समय हम खुद वो चीज़ है ऐसा समझकर लिखना है, जिसे परकाया प्रवेश कहते हैं। आत्मकथन पूरी तरह से इमेजिनरी होता है। आप अपने इमेजिनेशन से इसे ड्रामेटिक बना सकते हैं, लेकिन आपकी पूरी आत्मकथा प्रथम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन में होनी चाहिए। आप प्रोवर्ब्स या कोटेशंस का यूज़ करके अपनी आत्मकथा को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। आइए एक एग्जांपल से इसे समझते हैं। मी क्रीडांगण बोलत आहे, यहाँ हमें क्रीडांगण यानी प्लेग्राउंड की ऑटोबायोग्राफी आत्मकथन लिखना है। सबसे पहले हम आत्मकथन में क्रीडांगण के इम्पोर्टेंस को मेंशन कर सकते हैं। क्रीडांगण पर टीवी का क्या प्रभाव हुआ है वो लिख सकते हैं। क्रीडांगण पर होने वाले अतिक्रमण के बारे में लिख सकते हैं और आज की परिस्थिति के बारे में लिख सकते हैं। पूरी आत्मकथा फर्स्ट पर्सन में होनी चाहिए। वैचारिक निबंध यानी एक्सपोजिटरी राइटिंग। इस प्रकार के निबंध में आपके जनरल नॉलेज को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। हर विचार के दो पहलू हो सकते हैं, प्रोज एंड कॉन्स। ऐसे में आपको दोनों साइड्स सही भाषा का उपयोग करके लिखना ज़रूरी है। दिए गए टॉपिक पर आपके विचार तार्किक यानी फैक्चुअल होने चाहिए। यहाँ आप कुछ भी सिर्फ इमेजिनेशन पर नहीं लिख सकते। एक इम्पॉर्टेंट टिप,
आप अपने विचारों को सपोर्ट देने के लिए कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ की बातों को वहाँ कोट कर सकते हैं। इससे आपका निबंध और ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगेगा। एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। वैचारिक लेखन, टॉपिक है जाड़े लावा जाड़े जगवा। इस निबंध को लिखने के लिए हम पर्यावरण, ये पॉइंट मेंशन कर सकते हैं, जाड़ान से उपयोग, डिफॉरेस्ट्रेशन के डिसएडवांटेजेस, वृक्ष तोड़ के दुष्परिणाम और उनके लिए सॉल्यूशंस।